जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, लेकिन जो अभिमानी होता है उसे तो कोई नहीं समझा सकता, उसे बस वक्त ही समझाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। तो आज है 15 जुलाई, और देखिए जुलाई का आधा महीना बीत चुका है। अब आपके पास समय जो है बहुत कम बचा हुआ है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो आगे चलकर यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा आपको देनी है, पीईटी की परीक्षा जो कि 20 अगस्त को होनी है। तो अब आपको समय का निर्धारण कर ही लेना चाहिए कि आपको डेली कितना समय अपनी तैयारी में देना है, और क्विज लगाने का भी समय आ गया है। तो आज से यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए आपको क्विज भी दी जा रही है। तो यह क्विज आपको शाम को लगभग 6 बजे के आसपास उपलब्ध होगी, आप सभी का वहाँ पर मुझे इंतज़ार रहेगा, आइएगा ज़रूर। तो देखिए, अगर फर्जी नहीं है तो आयु निर्धारण के लिए हाई स्कूल प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि आयु निर्धारण के लिए यदि फर्जी न हो तो हाई स्कूल प्रमाण पत्र ही मान्य है, और हाई स्कूल प्रमाण पत्र पर अविश्वास कर मेडिकल जांच रिपोर्ट पर आयु निर्धारण करना गलत व मनमानापूर्ण है। कोर्ट ने किशोर न्याय बोर्ड कानपुर नगर और अधीनस्थ अदालत के हाई स्कूल प्रमाण पत्र की अनदेखी कर आपराधिक घटना के समय याची को बाली ठहराने के आदेशों को रद्द कर दिया है। तो दोस्तों, कोर्ट ने किशोर न्याय बोर्ड के कानपुर नगर और अधीनस्थ अदालत के हाई स्कूल प्रमाण पत्र की अनदेखी कर आपराधिक घटना के समय याची को बाली ठहराने के आदेशों को रद्द कर दिया है, और प्रमाण पत्र के आधार पर उसे घटना के समय नाबालिग घोषित किया है। कोर्ट ने कहा है कि बोर्ड ने 2007 की किशोर न्याय नियमावली की प्रक्रिया का पालन नहीं किया और मनमानी की। आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने मेहरा शर्मा की याचिका को स्वीकार करते दिया है। याची व सह अभियुक्तों के खिलाफ हत्या व अपहरण के आरोप में चार्जशीट दाखिल है। घटना 23 दिसंबर 2013 की है। याची ने कोर्ट में अर्जी दी कि उसे नाबालिग घोषित किया जाए। अंततः मामला हाई कोर्ट पहुँचा। कोर्ट ने कहा कि NCJM को आयु निर्धारण करने का अधिकार नहीं है, यह अधिकार किशोर न्याय बोर्ड को है। तो देखिए, यहाँ पर ये जो मामला है चाहे जिससे जुड़ा हुआ है, लेकिन एक बड़ी बात तो यहाँ पर निकल के आती है सामने कि अगर आयु का निर्धारण करना होगा तो हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट है वो काफ़ी अहम भूमिका रखता है। और देखिए, यहाँ पर एक खबर और भी है कि हाई कोर्ट ने CBSE को 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए छात्रों से परीक्षा फीस को वापस करने के लिए 8 सप्ताह में निर्णय लेने को कहा है। कोरोना महामारी के कारण दोनों परीक्षाएं रद्द हो गई थी, और इस मुद्दे पर सामाजिक कार्यकर्ता व अधिवक्ता दीपा जोजेस ने याचिका दायर कर फीस वापस करने की मांग की है। तो फीस इसलिए वापस होनी चाहिए क्योंकि परीक्षा हुई नहीं, तो फीस की वापसी होनी चाहिए। और देखिए, DELED में जो प्रवेश की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। 2021 के लिए आवेदन जो है शुरू हो गए हैं। 20 जुलाई से इसका पंजीकरण होगा, और 10 अगस्त तक अभ्यर्थी जो है इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो पूरी खबर है उसको आप लोग देख लीजिए कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश के जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों यानी कि DIET, CET वाराणसी और निजी DELED प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षिक सत्र 2021 के तहत DELED प्रवेश के लिए आवेदन मांगे गए हैं। अभ्यर्थी वेबसाइट updeled.gov.in पर जाकर 20 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन पंजीकरण की लास्ट डेट 10 अगस्त लगाई गई है, और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश संजय कुमार उपाध्याय द्वारा जारी की गई सूचना में कहा गया कि अभ्यर्थी आवेदन के लिए 11 अगस्त तक ऑनलाइन शुल्क जमा कर सकेंगे। आवेदन का प्रिंटआउट लेने की जो लास्ट डेट है वो 12 अगस्त लगाई गई है। ऑनलाइन आवेदन के लिए शैक्षिक अर्हता, आयु, आवेदन शुल्क और चयन का मानक और अन्य शर्तों सहित सामान्य परिचालन संबंधी तकनीकी जो दिशा निर्देश हैं वो updeled.gov.in पर उपलब्ध हैं। और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के मुताबिक अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन में अंकित प्रविष्टियों में संशोधन का कोई अवसर नहीं मिलेगा। DELED प्रशिक्षण 2021 ऑनलाइन आवेदन के समय पंजीकरण फॉर्म फाइनल सेव होने के पहले ऑनलाइन प्रविष्टियों का मिलान मूल अभिलेखों से अवश्य कर लें। मतलब कि कोई भी चीज़ आप दोबारा से सुधार नहीं पाएंगे, इसलिए आवेदन करते समय ही आपको जो है हर चीज़ को बहुत कायदे से चेक कर लेना है, उसके बाद ही आप इसे फाइनली सबमिट करें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कहा गया है कि ये देना होगा घोषणा पत्र। मैंने ऑनलाइन आवेदन के अंतर्गत किए गए रजिस्ट्रेशन का प्रिंट निकालकर उसमें दी गई प्रविष्टियों का मिलान मूल अभिलेखों से कर लिया है और उसे सही पाया है, तथा मैं अपने रजिस्ट्रेशन फाइनल सेव करने हेतु पूर्णतः सहमत हूँ।
फाइनल से होने के उपरांत मुझे आवेदन में संशोधन करने का कोई भी अवसर नहीं मिलेगा, तो ये डिक्लेरेशन भी आपको देना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, SSC ने जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा 2020 का पेपर 2 की का परिणाम जो है वो घोषित कर दिया है। पेपर 2 परीक्षा में सफल कुल 1070 उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। आयोग की ओर से 14 फरवरी 2021 को देश भर के विभिन्न केंद्रों में आयोजित की गई थी ये परीक्षा, जिसका परिणाम अब जारी कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखिए, अगली खबर ये है कि CBSE परीक्षा नहीं होने के कारण इस बार रोल नंबर भी नहीं मिले, तो 10वीं और 12वीं का रिजल्ट देखने पर भी असमंजस है। तो देखिए, यहाँ पर CBSE के 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी रिजल्ट जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक नहीं पता कि अपना रिजल्ट वो देखेंगे कैसे। विद्यार्थियों ने में असमंजस इसलिए है क्योंकि रोल नंबर नहीं होने के कारण वो व्यक्तिगत तौर पर अपना रिजल्ट देख पाएंगे या नहीं। हालांकि स्कूलों को रिजल्ट भेजा जाएगा और विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रूप से रिजल्ट देखने के संबंध में स्कूलों को अब तक बोर्ड से कोई स्पष्ट निर्देश नहीं मिला है। कोरोना महामारी के कारण शैक्षणिक सत्र 2020-21 में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी और इसी कारण विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र भी जारी नहीं किए गए। बोर्ड की ओर से जारी प्रवेश पत्र पर प्रत्येक विद्यार्थी को रोल नंबर आवंटित किया जाता है और इस बार प्रवेश पत्र जारी नहीं होने के कारण विद्यार्थियों के पास कोई रोल नंबर भी नहीं है। 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों का रिजल्ट इसी माह में जारी होना है। अब विद्यार्थियों में इस बात की चिंता है कि वो अपना रिजल्ट कैसे देख पाएंगे। फिलहाल फ्रेंड्स, जो रिजल्ट है उसके लिए रोल नंबर जारी किए जाएंगे, क्योंकि यूपी बोर्ड ने ऐसा कर दिया है। यूपी बोर्ड ने रिजल्ट से पहले परीक्षार्थियों के अनुक्रमांक वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। कोरोना संक्रमण के चलते यूपी बोर्ड परीक्षा नहीं हो पाई थी, ऐसे में बोर्ड की ओर से छात्रों को परीक्षा से पहले जारी होने वाला प्रवेश पत्र नहीं दिया गया था। अब बोर्ड ने अपनी ओर से अपनी वेबसाइट पर छात्रों के रोल नंबर जारी किए हैं। छात्र यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अपने रोल नंबर जान सकेंगे और इस रोल नंबर के आधार पर ही उनकी परीक्षा का परिणाम जारी किया जाएगा। तो ये जो वेबसाइट है upmsp.edu.in, इस पर जाकर आप जो है अपना रोल नंबर जान सकते हैं। छात्र छात्राएं स्कूल कोड के जरिए भी रोल नंबर को हासिल कर सकते हैं। तो देखो, जिस प्रकार से यूपी बोर्ड की व्यवस्था है, बिल्कुल उसी प्रकार से CBSE की भी व्यवस्था रहेगी और रोल नंबर तो जारी होंगे ही होंगे। और देखिए, पॉलिटेक्निक में दाखिले के लिए आज आवेदन की लास्ट डेट है, तो आज 15 जुलाई है। तो अगर आवेदन करना है आपको तो www.jeecup.nrc.in पर ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। अभी तक प्रवेश परीक्षा की तिथि निर्धारित नहीं है और इस बार प्रवेश परीक्षा JEE की तर्ज पर पूर्ण रूप से ऑनलाइन ही करवाई जाएगी। और ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं, ये DELED प्रशिक्षण के लिए है, यानी कि DELED के लिए जो प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो रही है उसके लिए। तो यहाँ पर आप हर चीज़ को ध्यान से पढ़ सकते हैं और ये जो विज्ञप्ति है इसे आप हमारी वेबसाइट studywithgyanprakash.com पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो फ्रेंड, DELED प्रशिक्षण 2021 ऑनलाइन आवेदन और प्रवेश चयन प्रक्रिया के लिए जो स्नातकोत्तर निर्गत हुआ था, तो उसी के क्रम में ये जो विज्ञप्ति है ये प्रकाशित की गई है। तो अभ्यर्थी DELED प्रशिक्षण 2021 में ऑनलाइन आवेदन के समय पंजीकरण फॉर्म फाइनल से होने के पहले अपने ऑनलाइन अंकित प्रविष्टियों का मिलान मूल अभिलेखों से अवश्य कर लें। अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन को फाइनल से होने के पूर्व इस आशय के घोषणा पत्र को, मतलब जो डिक्लेरेशन मैंने आपको दिखाया था, उसको साइन भी करना होगा। DELED प्रशिक्षण 2021 ऑनलाइन आवेदन से पूर्व अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध शासनादेश और दिशा निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर लें। और देखिए, यहाँ पर यह बताया गया है कि ऑनलाइन का जो पंजीकरण है वो 20 जुलाई को शुरू होगा, लास्ट डेट 10 अगस्त है, फीस जमा करने की लास्ट डेट 11 अगस्त है, फाइनल प्रिंट लेने की लास्ट डेट 12 अगस्त होगी। तो ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है, डिटेल में जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उस पर हम एक अलग से वीडियो आपको उपलब्ध करवाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की सारी अपडेट्स। और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर राज्यों को मिले अधिकारों में फिलहाल कोई कटौती नहीं होगी। केंद्र ने OBC की पहचान करने और सूची बनाने के राज्यों के पहले के अधिकारों को बहाल करने के लिए अब संसद का रास्ता चुना है, जिसकी तैयारी शुरू हो गई है। संसद के मानसून सत्र में इस संबंध में विधेयक लाने की तैयारी है। इसके पहले केंद्र ने SC ST एक्ट को, यानी कि जो SC एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद के जरिए बदला था, जिससे पुरानी व्यवस्था को बहाल किया गया था। तो देखिए, आरक्षण जैसे संवेदनशील मामले में केंद्र सरकार किसी तरह का कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को खारिज करने के साथ अपने फैसले में जैसे ही ये कहा था कि 102वें संविधान संशोधन के बाद
राज्यों को सामाजिक और आर्थिक आधार पर पिछड़ों की अलग से कोई सूची बनाने का अधिकार नहीं है। इसके बाद तो राज्यों में नया बवाल खड़ा हो गया। सूत्रों की माने तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने के बाद नए मंत्री वीरेंद्र कुमार ने भी अधिकारियों के साथ इस पर लंबी मंत्रणा की है, साथ ही अधिकारियों को इस पर आगे बढ़ने के निर्देश दिए हैं। इसके पहले थावरचंद गहलोत, जो कि वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल हो गए हैं, उन्होंने भी राज्यों के अधिकार बहाली की वकालत की है। तो खास बात यह है कि केंद्र सरकार ने मराठा आरक्षण पर सुनवाई के दौरान दिए गए इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका भी दाखिल की थी और इसमें राज्यों के ओबीसी की पहचान करने और सूची बनाने के अधिकारों को बहाल करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। फिलहाल अब केंद्र इस मामले को लेकर इसलिए भी सतर्क है क्योंकि ज़्यादातर राज्यों ने राज्य सूची के आधार पर अपने यहाँ अलग अलग जातियों को पिछड़े वर्ग में जगह दे रखी है। इसका लाभ भी वे राज्य की सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों के दाखिले में ले रहे हैं। अब तक ओबीसी आरक्षण पर केंद्र और राज्यों की अलग अलग सूची है। ओबीसी की केंद्रीय सूची में मौजूदा समय में लगभग 2600 जातियाँ हैं। और फ्रेंड्स, माध्यमिक शिक्षा परिषद से संबद्ध 27,000 से अधिक कॉलेजों में कक्षा 9 की परीक्षा का प्रारूप बदल गया है। इम्तहान में पहली बार छात्र छात्राओं को बहुविकल्पी सवालों का जवाब देना होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग का यह दूसरा कदम है और इसके पहले पाठ्यक्रम को NCERT के तर्ज पर किया जा चुका है। तो वजह प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जो सवाल हैं वो NCERT के पाठ्यक्रम से ही तैयार होते हैं। तो अब जो परीक्षा होगी कक्षा 9 की, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यूपी बोर्ड इसी शैक्षणिक सत्र से परीक्षा का प्रारूप बदल रहा है। अब प्रश्न पत्र में दो खंड होंगे। पहले खंड में पूर्णांक का 30% यानी कि अंकों के बहुविकल्पी सवाल होंगे, जबकि दूसरे खंड में 70% अंकों के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। तो 30% जो प्रश्न होंगे वो अब ऑब्जेक्टिव रहेंगे, बाकी की का जो पेपर है बिल्कुल पहले की तरह ही रहेगा। और परीक्षाओं का जो पूर्णांक है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। कक्षा 9 में लिखित परीक्षा 70 अंक की, त्रैमासिक 35 और अर्धवार्षिक 70। इसी प्रकार से जो अन्य कक्षाएं हैं उसके बारे में भी बंटवारा किया गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती में अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखा है और ये कहा है कि उत्तर प्रदेश में 69,000 प्राइमरी शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के साथ अन्याय की सूचना। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि प्रसंगत मामले में माननीय आयोग ने विस्तृत जाँच के बाद निष्कर्ष लिया है। तो यहाँ पर देखो जो पूरी बात है पहले उसको समझ लो आप, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर यह बताया गया है कि शिकायतों को सही पाते हुए NCBC के माध्यम से जारी किया गया था। तो शिकायतों को सही पाते हुए निष्कर्ष दिया गया है कि प्रकरण में OBC श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कुल 18,598 सीटों में से 5,844 सीटें ऐसी हैं जो OBC की श्रेणी के उम्मीदवारों को दी जानी थी, परंतु जो जनरल श्रेणी के उम्मीदवारों को दी गई हैं। इस प्रकार OBC उम्मीदवारों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। प्रसंगत मामले में माननीय आयोग ने विस्तृत जांच के बाद निष्कर्ष दिया कि 69,000 सहायक अध्यापकों की चयन प्रक्रिया में अधिकारियों द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 आदि के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप व तथ्यों के आधार पर जिन अधिकारियों ने आरक्षण नीति नियम और विनियम की उल्लंघन किया है उनके विरुद्ध गंभीर कार्रवाई की जाए और वंचित लाभार्थियों को न्याय प्रदान किया जाए। सबसे पहले आपको यहाँ पर समझना होगा कि ये जो संदर्भ है वो क्या है। तो यहाँ पर संदर्भ ये लिखा गया है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अंतरिम रिपोर्ट फाइल संख्या 10 तथा वंचित लाभार्थियों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन संलग्न। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि कृपया अपने शासनादेश संख्या 10 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके अनुपालन में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा उत्तर प्रदेश में संचालित जो प्राइमरी स्कूल हैं उसमें 69,000 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। प्राप्त सूचना के आधार पर उक्त परीक्षा में सफल सहायक अध्यापकों की चयन प्रक्रिया में अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण के संबंध में अनेक अनियमितताओं पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपने स्तर पर जांच के पश्चात अपनी अंतरिम रिपोर्ट, जिसकी फाइल संख्या ये है, के माध्यम से जारी किया है और शिकायतों को सही बातें निष्कर्ष दिया है। तब इसके बाद आप नीचे के जो प्रकरण हैं इसको आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर यह कहा गया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के वंचित लाभार्थी विगत अनेक मंचों के माध्यम से अपनी मांग उठाते रहे हैं। 69,000 सहायक अध्यापकों की चयन प्रक्रिया में की गई अनियमितताओं को तत्काल दूर करते हुए उन्हें नियुक्ति प्रदान की जाए, ये कांग्रेस ने मांग की है। और बेसिक शिक्षा परिषद ने उन्हें न्याय, यहाँ पर कहा गया है कि परंतु बेसिक शिक्षा परिषद उन्हें न्याय दिला पाने में नितांत असफल रहा है। विगत 6 जुलाई को दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला में वंचित OBC लाभार्थियों द्वारा न्याय दिए जाने की मांग के समर्थन में बेसिक शिक्षा मंत्री श्री सतीश द्विवेदी के निवास पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी किया गया, परंतु मंत्री जी जिस प्रकार बिना किसी उचित समाधान के मामले को टालते रहे
उससे स्पष्ट है कि वो वंचित ओबीसी अभ्यर्थियों की उचित मांग नहीं मानने का मन बना चुके हैं। तो प्रदेश सरकार को इस विषय की गहराई समझनी चाहिए। आरक्षित और अनारक्षित वर्ग के लिए सरकारी पदों पर चयन के लिए संवैधानिक व्यवस्था बिल्कुल स्पष्ट है। यदि पद आरक्षित वर्ग के सुरक्षित हैं तो उस पर आरक्षण के संवैधानिक नियमों का पालन होना चाहिए। तो ये एक बात कही गई है और ये भी कहा गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, उपरोक्त विषय पर आपसे निवेदन है कि प्रस्तुत ज्ञापन पर आप स्वयं ध्यान देते हुए शीघ्र निर्णय करने की कृपा करें। प्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति बहुत ख़राब है। बाकी चीज़ें आप नीचे पढ़ सकते हैं। और भौदी अजय कुमार सिंह लल्लू, तो यहाँ पर जो पत्र भेजा गया है वो आप देख सकते हैं। अजय कुमार लल्लू, विधायक अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, नेहरू भवन 10, माल एवेन्यू, लखनऊ, कि 9 जुलाई का इस पर डेट लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं और देखिए, UP SSSC PET एग्ज़ाम 2021, तो PET के लिए जो एडमिट कार्ड है वो कब जारी होंगे। तो देखो, इस यहाँ पर एक न्यूज आ रही है कि उत्तर प्रदेश में यूपी सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन द्वारा लागू की गई प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए 20 अगस्त को परीक्षा होगी। एग्ज़ाम के लिए अगस्त के दूसरे सप्ताह में एडमिट कार्ड जारी होने की उम्मीद है। तो ये परीक्षा जो होगी ये 2 पालियों में होगी, 10 से 12 बजे और दोपहर 3 से 5 बजे। राज्य सरकार द्वारा परीक्षा की तारीख को मंजूरी दी जाने के बाद UP SSSC तैयारियों में लग गया है। आयोग के मुताबिक PET के लिए लगभग 21 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, तो ये काफ़ी बड़ी संख्या है। और परीक्षा केंद्रों में कोरोना नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। 50% क्षमता के साथ ही अभ्यर्थियों को बिठाया जाएगा ताकि उनमें दूरी बनी रहे। परीक्षा केंद्र बनाने के लिए शासकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों को प्राथमिकता दी गई है। और इसी के साथ PET की तैयारी के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं क्या, हमारा जो मॉक टेस्ट है जो कि अब आपको शीघ्र ही उपलब्ध होगा। और यहाँ पर आपको बिल्कुल वही प्रश्न मिलेंगे जो कि एग्ज़ाम में देखने को आपको मिल सकते हैं। तो बिल्कुल सेम पैटर्न पर आपका मॉक टेस्ट होगा, तो आप तैयारी अच्छे से करते रहें। और फ्रेंड्स, पूर्वांचल विश्वविद्यालय BEd व MEd तृतीय सेमेस्टर का परिणाम घोषित कर दिया गया है। तो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय में आयोजित BEd व MEd तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। यह जानकारी परीक्षा नियंत्रक BN सिंह ने दी है। और ये जो परीक्षाफल है वो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है, तो इसका डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विज्ञान प्रकाश पर। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की सारी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर कर दिया करो। सुबह सुबह का वक्त होता है, आवाज़ थोड़ी सी फंस रही थी तो बीच बीच में थोड़ा सा व्यवधान आपको मिला होगा, उसके लिए सॉरी। और आज का जो करंट अफेयर है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लेना। और देखो, मंथली जो करंट अफेयर है वो भी उपलब्ध करवा दिया गया है, तो जून माह का कंप्लीट करंट अफेयर एकदम उपलब्ध है, तो उसको भी आपको देख लेना परीक्षा से पहले। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।